टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मनुज शबनम को भी इसके पीछे भेजा था, लेकिन वो भी नहीं आई अभी तक। क्या होगा अगर अब्बा आ गए तो? आज तो मेरी खैर नहीं है, बकरा ईद के दिन लगता है अब्बा के हाथों आज मैं जिबाऊंगी। अरे अल्लाह, मुझे लगता है कि आ गई है। अच्छा खोल रही हो ना? अरे अल्लाह मैं मर गई। इकबाल तू तू अब्बा के साथ नहीं गया? नहीं नहीं, क्या मतलब है कि अब्बा किसी वक्त भी आ जाएंगे? अरे अल्लाह अब क्या होगा? आने दे, देख लेंगे मैंने भी है? अरे नहीं ना, मैंने नाजिया को अकेले भेज दिया है हकीम चिश्ती के यहाँ, उसके पीछे शबनम को भेजा था। अब क्या होगा, वो दोनों अभी तक नहीं आई हैं, बहुत देर हो गई है, और पीछे से अब्बा आ गए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे खालू नहीं आएंगे, के एरिया हूँ ना मैं। क्यों नहीं आएंगे? मैंने चल्लाकी की है, कल्लन को खालू के साथ लगा दिया है, अब कल्लन सारा दिन खालू को लेकर गाय बकरियां काटता रहेगा। हाँ और तू क्या करेगा? मैं ना तेरे को मेला दिखाने ले जाऊंगा। मेला? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मेले वेले में। पीछे से अब्बा आ गए ना तो जिबा कर देंगे मेरी गर्दन। मैंने कल्लन को समझा दिया है कि हर जानवर में डबल डबल टाइम लगाए, आलू रात 12 बजे से पहले नहीं आएंगे। बड़ा शौक था ना उन्हें कमाने का, अभी कमाए। अच्छा बात सुन, मेरे को अंदर तो आने दे, कोई देख लेगा। हाँ हाँ तू अंदर आ जा। दरवाजा तो बंद कर। खामोशी से यहाँ खड़ा रहे और देख, अगर जैसे अब्बा आ जाते हैं ना तो तू 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 स्टोर में छुप जाना, ठीक है? अरे तू फिक्र ही ना कर। मगर मुझे परेशानी हो रही है, नाजिया और शबनम जो है ना वो गई और अभी तक आई नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे छोड़ना उन्हें, बच्ची थोड़ी खुद आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, तू एक काम क्यों नहीं करता, तू जा ना, तू भागकर जा और हकीम चिश्ती की दुकान पर देख कर आ, वो बैठी है वहाँ पर, फिर मैं तेरे साथ चलूँगी एक घंटे के लिए। हाँ क्या, एक घंटे के लिए? एक घंटे के लिए नहीं, सारे दिन के लिए जाएंगे। हाँ जिंदगी में पहली और आखिरी बार तो मौका मिला साथ घूमने का, ऊपर से तू मुझे हकीम चिश्ती क्या भेज रही है? नहीं 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 इकबाल, मैं सारे दिन के लिए नहीं जा सकती तेरे साथ, वो नाजिया और शबनम। अरे छोड़ ना उन्हें, खुद आ जाएंगी। अगर वो मुझे घर पे नहीं देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी, तो क्यों नहीं समझता मेरी बात को? देख सलमा, इतना अच्छा मौका मिला है, क्यों टाइम को जाया कर रही है तू? हैं वापस आके बता देंगे मैंने को भी। कहता तो तू ठीक ही है। हाय अल्लाह, ये तो किसके लिए आया? किराए पे लेके आया हूँ, 300 रुपए में। बिट 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 बिट। अच्छा तू तो चलानी आती है ना? हाँ हाँ। अच्छा रुक रुक, मुझे बैठने तो दे। हाँ बिट बिट बिट। रुक रुक। बैठ गई? आराम से हैं? बिट गई? हाँ बैठ गई बैठ गई।
हाय हाय, टांगे थक गई। 15 बकरे और 9 गाय की कुर्बानी का ऑर्डर मिल गया। हाय हाय, पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं। वालेकुम सलाम, किधर जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ खालू, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। इकबाल के चमचे, बोला इकबाल को। अरे खालू, उस्ताद के तो रात को ऐसा मरोड़ उठा है, अस्पताल ले गए मैं। अबे पेट में मरोड़ उठा था तो हकीम चिश्ती के पास ले जाना चाहिए था, अस्पताल ले गया, बड़ा मॉडर्न बन रहा है। नहीं नहीं खालू, कैसी बातें कर रहे हो, ये चश्ती वाला जो है ना मरोड़ नहीं था, ये तो बड़ा खतरनाक मरोड़ था। तो मेरे ये जो 15 बकरे हैं और 9 गाय की कुर्बानियाँ कौन करेगा? मैं काटूंगा ना खालू, मैं काटूंगा। अबे तू काटेगा? हाँ खालू, उस्ताद मुझे बोल के गया था कि देख खालू की इज्जत मेरी इज्जत है, तो समझ लो कि सारे जानवर मैं दबा करूँगा और तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो उससे कब कहा था उसने इकबाल ने? रात को। मगर रात से तो बेहोश है, उसने कब कहा तुझे? नहीं, खालू, प, 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 5 मिनट के लिए होश आया था। अच्छा, 5 मिनट के लिए होश आया, और उसने कहा होगा कि साबिर अली का ये सब कुर्बानी का काम कौन करेगा? अरे वाह खालू, कैसी बात कर दी, तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारा भेजा फाड़ दूंगा अगर मेरे साथ में कोई आनाकानी की। मैं ये बता रहा हूँ, मेरे 15 बकरे और 9 गाय, इनकी कुर्बानी अब कैसे होगी? ये बात नहीं करो खालू, पूरा कसाई हूँ पूरा। मरवा दिया तेरे उस्ताद ने, इतनी पर्चियाँ बांट के आया हूँ, उसको एक बात बता देना कि अगर वो पेट के मरोड़ से बच गया ना, तो साबिर अली उसकी गर्दन मरोड़ेगा, गर्दन। ऐसे वक्त पे उसने मेरा साथ छोड़ा है, उसके पेट में मरोड़ उठा है। चल हट रास्ते से मेरे, हट मेरे रास्ते से, मैं जाके इकबाल की अम्मा से बात करता हूँ। अरे खालू, अम्मा तो लेके गई अस्पताल। मैं जब तक किसी पे अपना गुस्सा ना उतार लूँ ना, साबिर अली को चैन नहीं आता। साबिर अली क्या करे, अपनी आदत से मजबूर है। अगर सफिया मिल जाती तो आधा गुस्सा तो मैं उस पर उलट देता अपना। चला यहाँ से, निकल यहाँ से। हाय हाय, इतनी मेहनत से 15 बकरे और 9 गाय का ऑर्डर लिया था। चलो साबिर अली, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था ये सब। क्या करें, ऐसा करते हैं, मेला देखने चलते हैं। साबिर अली क्या आइडिया है, चलो मेला देखते हैं। हाय अल्लाह, कितना अच्छा मेला है ये। पता है मैं अब्बा के साथ आई थी बचपन में, बहुत छोटी सी थी। हाँ चल, आज मेरे साथ आ गई। अरे ये बता, आइसक्रीम खाएगी? हाँ ना, खिला। हाँ कौन सी खाएगी, चॉकलेट खाएगी, स्ट्रॉबेरी खाएगी? वनीला, वनीला। अरे वाह, वनीला खाएगी है, बड़ी पुल चल रही है। चल भाई जल्दी से ये लगा दे सफेद वाली। कैसी लग रही है? बहुत मजे की है, मेरा दिल करता है कि रोज खाऊं। है चल फिर, शादी के बाद तुझे रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा। सच्ची? हाँ हाँ ईमान से। मगर एक मसला है। वो क्या? तू अगर रोज रोज आइसक्रीम खाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी। चल ठीक है, कभी कभार खाना भी खिला दूंगा। क्या मतलब, तू खाने की जगह मुझे आइसक्रीम खिलाएगा? तूने खुद ही तो कहा था कि रोज रोज आइसक्रीम खाने को दिल चाह रही है। हाँ वो तो मैं ऐसी कह रही थी, खाना खाते हो पेट भर के, समझे? अच्छा तो खाने के साथ आइसक्रीम खाएगी है, बड़ी खर्चीली है भाई तू। फिर तो देख सोचना पड़ेगा। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ, चल चल मेला देखते, आइसक्रीम चलते फिरते खा लियो, चल चल। हाँ मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं, मुझे बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो खत्म कर ले फिर, बस आइसक्रीम खा लूंगी उसके बाद गोलगप्पे। और वो देख वहाँ चूड़ियाँ हैं, वो भी देखूंगी। हाँ भाई क्या हाल है, तुमने तो जवानी याद दिला दी मियाँ। जवानी में ऐसे ही मेलों में जाया करते थे, जवानी गुजर गई साबिर अली, अब तो बुढ़ापा आ गया। हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ।
यहाँ क्या कर रहा है तू? खालू वो मैं खालू वो क्या कर रहा है तू? खालू कुछ भी नहीं खालू, मैं तो ऐसे ही वो तेरा उस्ताद अस्पताल में है और तू यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहा है? मैं तो खुद उसको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ ढूंढ रहा है? नहीं, मैं अस्पताल गया था, वहाँ मिला ही नहीं। तू अस्पताल गया था, वो मिला नहीं, तो फिर किधर है वो? वैसे बड़े अस्पताल ले गए, पेट में मरोड़ बहुत बढ़ गया था। अगर तेरे उस्ताद के अस्पताल जाने की वजह से मेरे ईद कुर्बान का दूसरा दिन खराब हुआ ना, तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम लोगों को। तो इसका आज का दिन खराब होता हुआ लग रहा है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं, खालू गर्दन छोड़ दो, लोग हंस रहे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। ऐसे कैसे, तो पूरी दुनिया हंसेगी तुझ। खालू अच्छी बात नहीं है। चल चुप, इसी तरह तुझे पूरा मेला घुमाऊंगा। साबिर अली नाम है मेरा। खालू नहीं करो खालू। चल चल, तुझे दो मुंह वाली बकरी दिखाऊंगा, वो देख ले। चल 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 चल। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। मैं चूड़ियों की बात कर रही हूँ। मैं तो कल ही कह रहा था तुझे मेरे से चूड़ियाँ दिलाऊंगा। ये ले लो। हाँ ले लो, क्या हो गया? वो ये लाल वाली भी ले लो। हाँ ले, हाँ लाल वाली भी ले लो, अच्छी है। हाँ हाँ ना, हाँ ले लो ले लो। हाँ दोनों ले लिए। हाँ? अच्छा जा, सैंडल लेगी? हाँ भैया, वो ब्लू वाली दिखाओ। ये वाली दिखाना भैया। अबे इतनी ऊंची हील की सैंडल पहनी है कभी तूने? कभी? हाँ हाँ, अपनी स्कूल के दोस्तों के साथ। अच्छा, चल भी लेगी ना पहन के? पहनूंगी तो चलूंगी ना, अब्बा से छुपा के रखनी पड़ेगी। तो अब्बा से छुपा के रखेगी और पहनेगी भी नहीं तो मेरा टीपा निकालने के लिए ले रही है? तू भी ना, मैं तो सोची थी जब तू रात को आता है ना कुत्तों की तरह भाव भाव करता हो, तब मैं तेरे सामने पहनूंगी। अच्छा चल ठीक है फिर, ले 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 ले, लेकिन देख शादी के बाद मुझ पर ही इस्तेमाल करियो। हाँ चल ना तू भी। चल ले ले। आजा बेईमान नमक हराम, देख लिया तूने पूरा मेला? देख लिया? देख लिया खालू। हैं, कुछ रह तो नहीं गया देखने के लिए? नहीं नहीं खालू, पूरा देख लिया, अब कुछ नहीं देखना। नहीं नहीं, थोड़ा सा देख ले, अभी कहाँ देखा तूने? नहीं खालू, अभी तो एक हिस्सा देखा, अभी तो मैं तुझे ले जाऊंगा मौत के कुएं में, वहां से दो सरों वाला बकरा दिखाऊंगा। नहीं खालू, उसके बाद तुझे इन मशीनों पे बिठाऊंगा। नहीं नहीं। अच्छा खालू एक काम करो, गर्दन तो छोड़ दो, पूरा मेला तुमने मुझे ऐसी गर्दन पकड़ के घुमा दिया, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? सजा? साबिर अली को सजा कह रहा है? एक नहीं, तो नहीं, साबिर अली का एहसानमंद होना चाहिए कि मैं तुझे अपने साथ पूरा मेला दिखा रहा हूँ, तू कह रहा है कि किस बात की सजा दे रहा है? वो खालू असल में गर्दन छोड़ दो पता, और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना, गिर ना जाए कहीं। क्या बकरा? मेरा मतलब है खालू, बहुत देर से तुमने गर्दन पकड़ी हुई है, कहीं टूट ना चुकी हो। टूट ना चुकी हो, क्या हुआ? कुछ नहीं खालू, कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो तू चौंका क्यों? वो मेरी खाला आई भी है ना। खाला? हाँ घर पे छोड़ो, मैं सारा सलाम करके आ गया। अभी आ भी आ। छोड़, सुन। उस्ताद खालू, उस्ताद खालू। अबे अबे तू यहाँ कैसे आ गया? उस्ताद खालू। अबे तू क्या मेरे को उस्ताद खालू बुला रही है? अरे उस्ताद बोल। अरे उस्ताद खालू, खालू आ रहे। अबे कौन खालू? वो देखे ऐसे मैंने खालू वालू। उस्ताद साबिर खालू आ रहे। अबे साबिर खालू, सलमान। अरे
जैसल भाई देखो क्या हुआ? खालू अब्बा खालू अब्बा कहाँ से आ गए? अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता क्या करूं बाजी। बाजी ये क्या कह रहे तू? अब खालू को सामने खड़े देख के और क्या कहूँ, यही तो कह सकता हूँ बाजी, और क्या करूँ। और बात सुन, तू तू ही लेके आया ना खालू के यहाँ पे? नहीं 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 उस्ताद, ईमान से मैं लेके आया हूँ, खालू खुद से आए, मैं लेके नहीं आया, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। अब क्या करें, सब बातों को छोड़ो। अब मैं क्या करूँ, मैं तो सोचा यहाँ से भाग जाऊँ। हाँ मुझे छोड़ के भाग जाएगा इकबाल तू? अरे अरे तूने तो बुर्का पहना हुआ है, खालू तो मेरे को पहचान लेंगे। अच्छा एक काम कर, तू ना अपना बुर्का मुझे दे दे, फिर मैं नहीं भागूंगा। बुजदिल डरपोक डरपो यहाँ से। इधर नहीं उधर निकलो, खालू देख लेंगे, निकलो निकलो, निकलो, निकलो। बाजी बाजी, 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 बाजी। मैं क्या करूं? अल्लाह मैं सलीम, मुझे बुंदे दिला दे। बुंदे? हाँ अच्छा दे 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 बुंदे दे दे। लॉट सारे सब मत ले लियो, एक एक करके। तेरे अपनी सी खुलेगी ना तो मुझे बहुत सारी चीजें दिलाना। ये देख कैसे हैं? बहुत ओह 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 शबनम, खालू खालू पागल हुआ है क्या? अरे बावली उधर देख अब्बा। अब क्या होगा? नकाब तो डाल ले अपने साथ, मुझे भी मरवाएगी। भाग भाग भाग। तुझे भी बड़ी जल्दी थी ये सैंडल पहनने की, घर जाके नहीं पहन सकती थी? ऐसा लग रहा है किसी अंधी बुढ़िया को सहारा देके लेके जा रहा हूँ। तू तू भी ना, ये सैंडल मैंने यही पहनने के लिए ली है तेरे साथ। आज के बाद थोड़ी ना मौका मिलेगा घर जाके ये सैंडल पहनने का। अच्छा ठीक है। भाग नाजिया। हाँ? सैंडल उतार, भाग जल्दी। एक तो तू ना, मुझे ये सैंडल पहन के चला नहीं जा रहा, ऊपर से तू कह रहा है भागूं। फिर तभी तो कह रहा हूँ सैंडल उतार दे, नहीं तो यही सैंडल तेरे और मेरे सर पे पड़ेगी। तू बिल्कुल ही पागल हो गया है। वो देख देख। भाग भागो, भाग जल्दी कर इधर। अबे देखते रहियो कि खालू पीछे से ना आ जाए। आराम से। अबे 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 खालू यहाँ कहाँ से आ गए? अबे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कल्लन। अबे अब क्या करें? चलो 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 चलो। अबे चलो चलो। अबे 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 कल्लन अब क्या करें? उस्ताद एक काम करते हैं, अपन लोग ना अलग अलग हो जाते हैं, इन्हें तो खालू बुरके की वजह से पहचानेंगे नहीं, और अगर तुम्हें मिल भी जाए तो को बहाना बना देना। हाँ ये तो ठीक कह रही है। अरे आलू को तो मैं किसी तरह टाल लूंगा, लेकिन अगर तेरे को मेरे साथ देख लिए ना तो तेरा तो बुर्का उठा के भी चेक कर लेंगे वो। हाँ हाय अल्लाह मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बार मैं क्या करूँ बताओ ना। अबे अबे डर काहे का? अरे बासन इतना बड़ा मेला है, घूमती रहे इसमें, और वैसे भी तेरे अब्बा के अलावा और कोई खतरनाक चीज नहीं है यहाँ पे। हाँ और तूने तो बुर्का किया हुआ, तेरे को तो पहचाने की भी नहीं। हाँ अरे भाई आलू आलू गायब हो गए, चल 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 निकल निकल निकल, ऐसा ना हो पीछे से वापस आ जाए। हाँ एक काम कर तू, तू ना गेट की तरफ बोल, मैं थोड़ी देर में वहीं पे पहुंचता हूँ, ठीक है? चल। शबनम शबनम शबो खालू पीछे रह गए, हम लोग यहाँ गेट के रास्ते निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा ना। खालू की मुद्दे कहीं की यहाँ पे आती है, हमको पचवाती है, खालू को इत्तलाएं देती है। मैं कोई मुद्दे भी नहीं हूँ, बाकी मैं तो खुद यहाँ आके फंस गई। अच्छा हाँ। खालू गेट पे हम कहाँ जाएं? हाँ हाँ आजा खालू गेट पे, खालू गेट पे आजा। अबे अबे सलमा, अबे तू मरवाएगी मेरे को, तुझसे कहा था कि अलग हो जाइयो, फिर सामने आ गई तू मेरे। इकबाल तू 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 यहाँ क्या कर रहा है? और सलमा सलमा क्या कर रहा है? क्या वो भी यहाँ पे? अबे अबे शबनम तू तू यहाँ क्या कर रही है? अबे अबे खालू अबे शबनम भाग ले। अबे
अबे हाँ छोड़ नाजिया, तुझे कहा था अकेली गेट पे पहुंचा, पीछे पीछे क्यों आ रही है? मैं नाजिया नहीं हूँ। नाजिया नहीं है, नाजिया नहीं है तो हाथ छोड़। पहली एक से इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है। मैं सलमा हूँ, नाजिया कहाँ है? सलमा बाजी, नाजिया यहीं कहीं भाग रही है। भाग रही है? भाग रही है क्यों? भाग रही है क्यों? क्योंकि खालू यहाँ आ गए। मुझे पता है अब्बा यही है। अब क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। शबनम, अरे अरे तुम लोग फिक्र नहीं करो, खालू समेत सब यहीं पे हैं। अब ये बताओ कहना क्या, बल्कि बेतो कहते यहाँ से निकलते गेट। अबे कहाँ से निकल जाओगे? खालू गेट पे पहरा दे रहे हैं। शबनम तुम दोनों यहाँ घर चलो, तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम करना बंद करो, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो जल्दी। अबे लेकिन जाएंगे कैसे, खालू का क्या करेंगे? अबे टांगों में रस्सी डाल के खींचता, छुरी फेर देता। अरे अबे अबे क्या करता है, बकरी की तरह टकरे मार रही है। बकरी की तरह टकरे मारेंगे तुम लोग को खालू? पहले ये बताओ तुम चले कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? मुझे बगा बगा के खालू ने पागल कर दिया। अबे खालू ने तो यहाँ सबको पागल कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे बात सुन लो मेरी, अगर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, तुम लोग डालो नकाब, नकाब डालो, डालो मुँह छुप गया। अब खालू का आप भी नहीं पहचान सकेगा इन लोगों को, एक एक करके तीनों बाहर निकलेंगी, उसके बाद हम अपना प्लान बना लेंगे। बस सही है, तुम लोग एक एक कर, एक एक करके निकलो, निकल लो, जाओ 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 जाओ। अरे जाओ बाजी, हम भी निकलते हैं, चलो चलो। नहीं नहीं निकलो नहीं, यही नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अबे क्या सोच रहे हैं? पता नहीं। अबे तो चल बैठ जाओ। ऐसे भाग गया कम्बख्त, साबिर अली को चकमा देके भाग गया। साबिर अली को चकमा देना इतना आसान काम नहीं है कल्लम, यही खड़ा हुआ हूँ। ए नाजिया निकल निकल जा, देखता हूँ बाहर कैसे निकलेगा। इसकी मजाल साबिर अली को चकमा देके गया, जिंदगी में किसी ने जुर्रत ही नहीं की है इतनी। कल्लम तू जाया हो गया मेरे हाथों से, गया तू। शबनम भाग, भाग जाओ जल्दी, भाग जल्दी, भाग सीधी तरह जाइयो। ए बाप रे बाप, बात सुन, ये इतनी बुरके वालियां गुजर रही हैं, कहीं ये कल्लन तो नहीं है? ए खालू, साबिर खालू, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ मेला 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 कर रहा है, मेला मेला मेला, तू यहाँ क्या कर रहा है? खालू ये मेला है ना, बच्चों का मेला देखने आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं खालू? बकवास बंद कर, समझा? चुप चुप कर खालू के बच्चे। खालू बात तो सुने। क्या बात सुन? बात इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओहो आज तो बदमाशों का पूरा टोला है वह। नन्हे खालू क्यों भाई, तू तो अस्पताल में दाखिल था, तेरे तो पेट में मरोड़ हो रही थी। अभी अभी भी बहुत दर्द हो रही है, वो मैं अस्पताल गया था, अस्पताल वालों ने कहा कि मेले में घूम लियो तो पेट की मरोड़ ठीक हो जाएगी। अच्छा इसका मतलब ये है कि तू अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुआ, अब तुझे साबिर अली है ना अस्पताल में दाखिल करेगा। मनोज मारे गालू, मैं गालू, गालू, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ कर दो गालू, मेरे को गालू बच्चा माफ कर, माफ कर दो, माफ कर दो। चुप कर वरना तेरी भी गर्दन काट दूंगा, जबा कर दूंगा यहाँ। गालू काटने का तो काम हमारा है, सब्जी वब्जी कटवानी तो कटवा लो, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। गालू मैं तो जाऊँ ना, मैं तो तुम्हें नहीं, तू मेरे सर पे बैठ के ना चल निकल यहाँ से। और सुन मेरी बात, ये बता तूने एक दिन मेरा जाया करवाया, आज के 24, कल के 27 और परसों के 32, कितने हो गए टोटल? खालू मेरा इतना अच्छा हिसाब होता तो क्या मैं सब्जी वाला होता, साबिर खालू ना होता? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हो गए टोटल 83 जानवर, कितने हो गए? 83 यानी 41.5 जानवर पर डे।
ये तुम दोनों काटोगे मनुसो मेरे सामने। खालू साढ़े का हिसाब तो मैं दे लूंगा, 40 का हिसाब ये देगा। बकवास बंद करो, चलो चलो ये जानवर तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। सांप से आड़ा, सांप से, सब्जी वाला, ताजी सब्जी, सब्जी वाला, ताजी सब्जी, या आलू टिंडे गोभी की टमाटर सब्जी वाला। क्या है, तुझसे थोड़ी देर इंतजार नहीं होता क्या? मैं तो जिंदगी भर तेरा इंतजार करने को तैयार हूँ। तू बैठा सिर्फ इंतजार करता रह जाएगा और कोई दूसरा मुझे ले जाए। किसमें इतनी मजा ले जो तेरी तरफ आंख उठा के देखे तेरा अब्बा के होते हैं। क्या 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 तूने? हाँ सही बात है, मोहल्ले में मुझसे डरता ही कौन है, मैं तो अपने फंसे हुए पैसे भी तुम्हारे अब्बा का नाम लेकर निकलवाता हूँ। बकवास नहीं कर, ये बता चाचा चाची को कब भेजेगा घर पे अब्बा से रिश्ता मांगने? अम्मा अब्बा आने के लिए राजी नहीं होते। आने का दौर भी नहीं है, बहुत सारे रुपए लगते हैं शादी में, रुपयों का दौर है रुपयों का। बेवकूफ, तेरे घर आने के लिए राजी नहीं है, उनको खालू से डर लगता है। तो कहाँ थोड़ी ना जाएंगे मेरे अब्बा? कोई पता नहीं, खा भी सकते, पूरे मोहल्ले में उनकी आदमखोरी के किस्से मशहूर हैं। क्या बक रहा है, और ये ऐसे क्यों खड़ा हुआ बातें कर रहा है? जैसे कोई सब्जी तोल, मोहल्ले वाले देखेंगे तो बातें बनाई। हाँ देख शर्मनम, मेरे अम्मा अब्बा जो है ना तेरे घर आने से सिर्फ इसलिए घबराते हैं, तुम्हारे अब्बा जो हैं वो एक नंबर के बदजबान हैं और कुछ भी नहीं, उनकी बदजबानी से घबराते हैं वो। देख अब्बा मिजाज के तेज जरूर हैं, पर ऐसा भी नहीं कि घर आए मेहमान को जलील करके भगा दें। वो किसी को भी जलील कर सकते हैं, सिर्फ एक तरह से तेरी मेरी शादी हो सकती। वो कैसे? वो जो तेरे अब्बा को दौरा पड़ता ना, एक मिनट के लिए टोन हो जाते हैं, पहुंची एक लम्हे में हम निकाह पढ़वा लेंगे। बकवास बंद कर, तू दौरा सिर्फ एक मिनट के लिए पड़ता है, एक मिनट में निकाह पढ़वा लेगा तू? तो फिर क्या करूं? ये सोचना तेरा काम है, और याद रखियो अब ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। चल एक काम करिए, इकबाल का खतना सलमा को दे दियो, और बोनस में ये टमाटर तेरे ले ले। इकबाल भी ना तेरी तरह डरपोकी है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुमने अब्बा ही ऐसा रखा हुआ है, क्या खाक करेंगे? टमाटर भी ले गई बोनस में, नहीं कर सकते। अबे चल, सब्जी थी, टमाटर थे, आलू थे, सब था। सलमा, देखो इकबाल का खत आया है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, किधर लगा कर भेजा? अब इधर आओ, देखिए क्या लिखा है। मेरी पे ये भी प्यारी 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 नाजी नाजी दरा क्या है? बोला ये खत पढ़ के सुना देना बहन, सुना देना, नखरे मत किया कर। लाओ ना, आ जाओ। इकबाल भाई की अम्मा ने तो शादी से इनकार कर दिया है। ये तो अच्छी बात है, उनकी उम्र कभी शादी करने की। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ, था कौन बेवकूफ जो इकबाल की माँ से शादी करना चाह रहा था? बेवकूफ, उन्होंने सलमा बाजी और इकबाल भाई की शादी के लिए इनकार कर दिया है। मगर क्यों? ओहो जाहिर है, उन्होंने यही लिखा है कि अब्बा इतने बदतमीज है, अम्मा तेरा रिश्ता कभी मांगने नहीं आएंगी। अरे अरे अरे, आगे तो सुन लो। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्होंने लिखा है कि तू फिक्र मत कर, मैं एक ना एक दिन उन्हें मना के जरूर ले आऊंगा। तू पूरा खत एक दफा क्यों नहीं पढ़ के सुनाती है, टुकड़ों में क्यों सुना रही है? 10 जमाते पढ़ ली है ना, इसका फायदा उठा रही है। मैं कोई फायदा नहीं उठा रही हूँ, अब ठीक से एक बार पूरा खत सुन लो। प्यारी सलमा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, मैं तो हर वक्त तुझे याद करता रहता हूँ। कोई खूबसूरत बच्चिया देख लूं तो तेरा चेहरा एकदम से सामने आ जाता है। कोई गाहक चाप मांगने आ जाए तो बेख्तियार ज़हन तेरी तरफ चला जाता है। मगर न जाने हमारी शादी कब होगी, तेरे अब्बा ही हमारी शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।
उन्हीं की वजह से तो अम्मा ने शादी से भी इनकार कर दिया है। अम्मा कहती है खालू बहुत ही बदतमीज आदमी है, लिहाजा मैं तेरे घर रिश्ता मांगने नहीं आऊंगी। आगे लिखा है लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं अम्मा को मना लूंगा और एक दिन तेरे घर ले आऊंगा और जरीन करा के वापस भी ले जाऊंगा। क्या ये भी लिखा है इसमें? नहीं, ये मेरी पेशेंट गोई है। बात सुन, ज्यादा बकवास मत किया कर, अपनी पेशेंट गोई अपने पास रख। अच्छी बात नहीं करती तो बुरी बात भी मत किया कर, बदतमीज सूखी छुपके ली तो आपको पता नहीं क्या समझती है। देखा इसे अब्बा आ गए, देखना। आ रही हूं। इतनी देर लगा दी, सुनते नहीं हो? सलाम अलैकुम पप्पा। अब्बा मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ होगा तो क्या, काम की बात कर। अब्बा वो 5 तारीख हो गई है। हाँ। मैं खाला खैरन कैसे करा ले हूं? हाँ ठीक है, सुन वहाँ से सौदा सल भी लेते आना, घर की सब्जी और गोश्त तू पहले ही ले आती है। नहीं अब्बा, वो मैं मेरा मतलब था आप थक गए होंगे ना तो मैं किराया ले आती हूँ। मैं थका हुआ हूँ या मरा हुआ हूँ, खैरन से किराया लेने मैं खुद जाऊँगा, समझी? भाई अब्बा पिछले महीने सलमा लेकर आई थी किराया, इस महीने मेरी बारी है। इस महीने मेरी बारी है, ये किसने इजाजत दी है तुम लोगों को बारी की है? और तुम तो कह रही थी कि पिछले महीने खैरन खुद किराया देके गई थी। ठीक ही तो कह रही थी अब्बा, मैं वो खाला खैरन ही किराया देने आई थी, मैं तो दरवाजे से वापस लेने आई थी। ये वही तो बात कर रही है। हाँ ये बताओ तुम लोग, ये किससे पूछ के किराया लेने की तुम लोगों ने बारी लगा रखी है? ये बाहर निकलने के घर से बहाने ढूंढती रहती हो तुम लोग, और तू क्या करने गई थी? अब हम कहाँ बाहर जाते हैं? हाल बता, ये जाती है जो भी कोई आता और जाता है दरवाजा बंद करने खोलने, फिर भी मरे जा रही है। अब्बा आप ही के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने जाती हूँ, नहीं तो ये तो खोलना ही नहीं चाहती। ये कभी कभी का तो ठीक है, मगर इससे ज्यादा ना सुनू मैं। अब्बा ठीक तो कह रही है, ये हमारा कभी कभी तो दिल चाहता है घूमने फिरने का। कभी कभी कितनी ना शुक्रिया हो, अभी 2.5 साल पहले फारूक की शादी में लेके गया था, आइंदा जाने के लिए कम से कम 3.5 साल का वक्फा जरूरी है, अभी सिर्फ 2.5 साल हुए। सुन लिया तूने, 3.5 साल। सलमा ऐसे तो हमारी सारी जिंदगी में हम सिर्फ 5 दफा घूमने फिरने जा सकेंगे और जिंदगी खत्म।